Good morning everyone. Continuing with our next topic, that is basic principles. बेसिक प्रिंसिपल्स में हम उन प्रिंसिपल्स को इंक्लूड करते हैं जो सर्टेन हैं और जिन्हें आप चेंज नहीं कर सकते. तो कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो हमारा है, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ रेवेन्यू रियलाइजेशन. रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब है वो अमाउंट जो बिजनेस ने रिसीव की है फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ये जो प्रिंसिपल है वो हमें ये बताता है कि किस टाइम पर या किस पर्टिकुलर पीरियड में आप रेवेन्यू को रियलाइज्ड मानेंगे. रियलाइज्ड मतलब कि रेवेन्यू आपने अर्न कर लिया है, ये आप कब मानेंगे, किस टाइम पर मानेंगे, किस पर्टिकुलर पीरियड में मानेंगे. तो जो बेसिस हैं, हमारे पास तीन बेसिस हैं फॉर डिटरमाइनिंग द पीरियड इन विच रेवेन्यू इज रियलाइज्ड. सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स. इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज्ड हम एट पॉइंट ऑफ सेल मानेंगे. तो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज्ड हम तब मानेंगे जब हमने गुड्स और सर्विसेज को ट्रांसफ़र कर दिया है सेलर ने परचेजर को, या परचेजर लीगली लाइबल हो गया है आपको पेमेंट देने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, ए ने रिसीव किया ऑर्डर गुड्स का 2 लाख रुपीज़ का 1 जून को. ए ने डिलीवर की गुड्स बी को 8 जून को, और बी ने अमाउंट पे किया 24 जून को. तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ सेल, कब जो बी है वो लाइबल बना ए को पे करने के लिए? कब? जब ए ने डिलीवर की गुड्स बी को. वो कब की? 8 जून को. तो गुड्स डिलीवर हुई 8 जून को, इसीलिए इसी डेट को हम मानेंगे कि जो रेवेन्यू है वो रिकॉग्नाइज हुआ है. देन नेक्स्ट इज योर ऑन द बेसिस ऑफ कैश. इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज तब माना जाएगा जब आपने एक्चुअली उसे रिसीव किया है, ना कि एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स. इसका मतलब, अगर सेम एग्जाम्पल हम ले कि ए को ऑर्डर मिला गुड्स का 1 जून को, बी को डिलीवर किया 8 जून को, लेकिन अमाउंट उसे मिला कैश में 24 जून को. तो ऑन द बेसिस ऑफ कैश अगर हम फॉलो करेंगे तो 24 जून को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड माना जाएगा. ये प्रिंसिपल यूजफुल इसलिए है क्योंकि जो रिसिप्ट ऑफ कैश है वो डाउटफुल होते हैं. इसीलिए जैसे अगर आप गुड्स सोल्ड करते हो हायर परचेज सिस्टम पे, तो जो इंस्टॉलमेंट्स आपको एक्चुअली रिसीव हुई हैं सिर्फ उन्हीं को रेवेन्यू माना जाता है. नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन. इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज जब आप करते हो तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन करते हो. जैसे अगर लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट है तो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना मुश्किल है जब तक कंप्लीशन प्रोजेक्ट्स का नहीं हो जाता, और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट होने में बहुत साल लगते हैं. तो इस कंडीशंस में जो रेवेन्यू है, जितना पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है, पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जितना कंप्लीट हो गया है एट द एंड ऑफ द ईयर, उतना रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज्ड मानेंगे. नेक्स्ट जो हमारा है, दैट इज़ द डबल एस्पेक्ट प्रिंसिपल. इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है डबल एंट्री सिस्टम का. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं. हर एक ट्रांजेक्शन जो है वो कम से कम एटलीस्ट 2 अकाउंट्स को बिजनेस में इफ़ेक्ट करती है, और एक अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा. और ये जो कंसेप्ट है इसे हम बैलेंस शीट कंसेप्ट भी कहते हैं. इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो आपकी एसेट साइड है वो इक्वल रहती है हमेशा लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड के. देन नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंस. कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो आपकी हैं, जो आप कॉस्ट लगा रहे हैं रेवेन्यू अर्न करने के लिए, हम उन्हें एक्सपेंसेस कहते हैं. तो कौन कौन से जो आइटम्स हैं वो इंक्लूड होती हैं एक्सपेंसेस में? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कैरेज, कमीशन, सैलरी और अदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस.
डेप्रिशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स जब आप उन्हें यूज़ कर रहे हैं, ये सारी आइटम्स हैं जो आप एक्सपेंसेस में इंक्लूड करते हैं। एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज तब किया जाएगा जब आपने वो सर्विसेज अवेल कर ली है जो आप यूज़ कर रहे हैं रेवेन्यू जनरेशन के लिए, चाहे आपने उसके लिए कैश पे किया है या नहीं किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज आप जो गुड्स हैं वो प्रिपेयर कर रहे हैं, आप गुड्स बना रहे हैं, तो उसके लिए आपने अगर सर्विसेज को यूज़ कर लिया है, बेशक उसके लिए आपने अभी पेमेंट नहीं की है, तो उन्हें एक्सपेंस माना जाएगा। इसी बेसिस पर जो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं उनको हम एक्सपेंस ट्रीट करते हैं करंट ईयर का। जो भी आपका डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस है एक्सपेंस और कॉस्ट के बीच में, कॉस्ट का मतलब है जो अमाउंट आपने पे किया है फॉर द परचेजेस ऑफ गुड्स, और एक्सपेंस जो है वो कॉस्ट का पार्ट है जो करंट अकाउंटिंग पीरियड के बाद एक्सपायर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कंप्यूटर परचेज़ किया 48,000 रुपीज़ का और उसकी इफ़ेक्टिव लाइफ जो है वो है 12 ईयर्स। 48,000 आपकी कॉस्ट है जो आपने उसके लिए पे किया, लेकिन जब आप उसको यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर को ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, तो उसके ऊपर डेप्रिशिएशन भी लग रहा है, तो जो 4,000 पर ईयर है आपका डेप्रिशिएशन, वो आपका एक्सपेंस माना जाएगा। द नेक्स्ट इज़ योर प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब आप प्रॉफिट को डिटरमाइन करते हो कि ड्यूरिंग अ बिजनेस पीरियड आपको कितना प्रॉफिट हुआ, तो जो रेवेन्यू उस पीरियड का है, उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो भी आपको कॉस्ट आई है, एक्सपेंसेस आई हैं उस पीरियड में, उसे आप उसी अकाउंटिंग ईयर में लिखेंगे। अगर रेवेन्यू नेक्स्ट ईयर का है और उसके ऊपर कोई कॉस्ट आई है जो नेक्स्ट ईयर की है, तो उसे हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। मतलब सिंपल टर्म्स में अगर हम कहें तो जिस ईयर का रेवेन्यू है उसे अर्न करने के लिए जो कॉस्ट है वो भी उसी ईयर में शो की जाएगी, तो इसे हम प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग कहते हैं। अगर इनकम अगर आपकी ज़्यादा है एक्सपेंस से तो आपका प्रॉफिट होगा, और अगर एक्सपेंस ज़्यादा है इनकम से तो आपको लॉस होगा। अगर आपको कोई इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर कोई रेवेन्यू है जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में इंक्लूड किया है, तो जो भी सारे एक्सपेंसेस हैं जो आपने उसके ऊपर इंकर किए हैं, उसे भी आपको उसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना होगा, चाहे आपने उसके लिए पे किया है या नहीं किया है। देन कोई भी एक्सपेंस है जो आपने किसी अकाउंटिंग पीरियड में पे किया है और उससे जो रेवेन्यू है वो नेक्स्ट ईयर में जनरेट हो रहा है, तो उस एक्सपेंस को भी आप नेक्स्ट ईयर में ही शो करेंगे। जैसे आपका प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, तो इसे हम क्या करते हैं जब फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, इन्हें हम डिडक्ट करते हैं ना, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर के लिए हैं, तो ये नेक्स्ट ईयर में ही शो होंगे। देन अगर कोई इनकम आपने अर्न की है लेकिन उसे रिसीव नहीं किया है, तो इसी करंट ईयर में शो होगी। अगर आपने इनकम रिसीव की है लेकिन उसे अर्न नहीं किया है, तो वो नेक्स्ट ईयर में शो होगी, जिस ईयर में आप उसे अर्न करेंगे, बेशक आपने उसे रिसीव करंट ईयर में किया है। नेक्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक, जो होता है आपका एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, उसे हम ट्रीट करते हैं एज ओपनिंग स्टॉक एट द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं जो आपने इनकर किए हैं ऑन क्लोजिंग स्टॉक, उसे एज अ एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा नेक्स्ट ईयर का, जिस ईयर में आप गुड्स को सोल्ड करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, बुक्स जो हैं आपकी अकाउंटिंग बुक्स जो हैं और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आप शो करेंगे वो फेयरली शो करेंगे, ताकि जो भी डिफरेंट पार्टीज इंटरेस्टेड हैं बिजनेस में उन्हें कंप्लीट नॉलेज मिल सके अकाउंट्स की। जब भी आप प्रिपेयर कर देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो कंप्लीट अमाउंट जो है इनकम एंड एक्सपेंस का, उसे
फुली डिस्क्लोज आपने ऐसे नहीं है कि इकट्ठे एक साथ आपने कर दिया, नहीं, आप उसे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके शो करेंगे। जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अलग शो होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस अलग होंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस हेडिंग्स में आप उन्हें शो करेंगे। सेम तरीके से जो आपका परफॉर्मा है बैलेंस शीट का, जो इंडियन कंपनीज एक्ट में दिया गया है, वहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीटली डिस्क्लोज करनी है। जो भी इंफॉर्मेशन है आप बैलेंस शीट में प्रेजेंट नहीं करेंगे, आप उन्हें नोट्स की फॉर्म में शो करेंगे। जैसे वैल्यूएशन मेथड क्या है क्लोजिंग स्टॉक का, और मार्केट प्राइस क्या है इन्वेस्टमेंट्स का। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज़ मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स। वो प्रिंसिपल्स हम मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स में इंक्लूड करेंगे जिन्हें आप मॉडिफाई कर सकते हो, जिनका नेचर, साइज, सिचुएशन जो है बिजनेस की, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। तो इसमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स इंक्लूड है? सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी। तो ये जो प्रिंसिपल है वो एक्सेप्शन है प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर का। फुल डिस्क्लोजर के प्रिंसिपल में हमने कहा कि आपको सब कुछ जो भी है बिजनेस में उसे शो करना पड़े। प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर कहता है कि जो भी सारी इंफॉर्मेशन है आपने अपने अकाउंट्स में शो करनी है, ताकि सभी जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उस इंफॉर्मेशन को जान सके, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सके। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी जो है वो ये कहता है कि जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं को आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करना है। जो फैक्ट्स, जो आइटम्स इम्पॉर्टेंट नहीं है बिजनेस के लिए, उन्हें आपको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग में, जैसे अगर हम सेपरेट अकाउंट्स बनाते हैं डिफरेंट आइटम्स का, लेकिन जब हम स्टेशनरी, अगर हम आपका आइटम है और उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे पेन, पेंसिल, कार्बन पेपर, स्टेपलर एक्सेट्रा, लेकिन इन सब का हम अलग अलग अकाउंट नहीं बनाते। हम पेन का, पेंसिल का, कार्बन पेपर, स्टेपलर एक्सेट्रा का अलग अलग अकाउंट नहीं बनाते, हम खाली एक स्टेशनरी का अकाउंट ओपन करते हैं। तो वो इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है। तो ये जो अकाउंट, इससे क्या होता है, अकाउंटिंग का जो है टाइम और मनी दोनों सेव होती है। तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी, आप प्रोविजन एक्ट में हैं कि जो अमाउंट है आप नियरेस्ट रुपीस में लिखते हैं, ना कि पैसे में। तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, किसी भी आइटम को मटेरियल या इम्पॉर्टेंट तब समझा जाएगा जब हमारे पास रीज़न है ये बिलीव करने का कि उस आइटम की जो नॉलेज है, वो जो भी आपका इन्वेस्टर है उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगी, तब हम उस आइटम को, उस ट्रांजेक्शन को मटेरियल मानेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, जब आप बिजनेस ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हो बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो आपको सेम अकाउंटिंग मेथड एवरी ईयर यूज़ करना चाहिए, ताकि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को जो डिफरेंट ईयर्स की है उसे कंपेयर कर सकें। जैसे आप डिफरेंट मेथड्स हैं वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेब्टर्स के लिए, तो ये प्रिंसिपल कहता है कि सेम अकाउंटिंग मेथड को आपको यूज़ करना चाहिए एवरी ईयर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर टाइम जो है चेंज हो गया है और उसके अकॉर्डिंग नीड लग रही है कि हमें मेथड चेंज करना चाहिए, तो हम मेथड चेंज नहीं कर सकते। कर सकते हैं, अगर सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं तो आप मेथड को चेंज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि एवरी ईयर मेथड चेंज नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द नीड, आफ्टर सम टाइम्स आप मेथड चेंज कर सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी का जो फीचर है वो फॉलो होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।